अंकल जी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक, अच्छे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, हम लोग ना एक्चुअली लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ मिनट आप फ्री हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा। ओके अंकल, आप क्या करते हो? हम रेड़ी चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? तो मतलब आपका काम क्या है बेसिकली? ये हम प्लाईवुड की दुकान पे प्लाईवुड होते हैं। अच्छा, मतलब बहुत हिम्मत है आप में। आपकी उम्र क्या है पहले तो ये बताओ मेरे को। 55 साल की है। 55 साल की उम्र में आप अभी भी मतलब हिम्मत नहीं आ रहे हो और इतना काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सच में आप जैसे लोग बहुत कम है ना दुनिया में जो इस उम्र में आने के बाद भी घर पे नहीं बैठते हैं, काम करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे क्या क्या करते हैं? वो भी सब मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ जी, मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो लड़की भी है कोई आपकी? 2 लड़कियां हैं 2 लड़के। तो लड़कियां क्या करती है आपकी? लड़कियां यही मेहनत मजदूरी करती है, काम पे फैक्ट्री जाती। थोड़ा सा जोर से बोलोगे आप? फैक्ट्री में जाती है लड़कियां। फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री में काम करते हैं जी। अच्छा, तो शादी नहीं हुई अभी उनकी? एक की होगी शादी। चलो यार, फिर भी आप में इतनी हिम्मत है, आप अभी भी काम कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। आज के टाइम में तो मैंने देखा कि बच्चे आज के टाइम में इतना नहीं करते। माँ बाप इस उम्र में आने के बाद भी बच्चों के लिए संघर्ष करना बिल्कुल नहीं भूलते, स्ट्रगल करते ही रहते हैं, करते रहते हैं मेहनत की। हाँ, जैसे तैसे अपने बच्चों के लिए कमा के लड़कियों की शादी करनी है, बेटों को स्टैंड करना है ना। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अंकल आप बुरा ना मानो, आपकी छोटी सी मदद कर सकती हूँ मैं? मैं आपकी बेटी से मानूँ बिल्कुल, और मतलब मेरे को आप जैसे लोग इतने ज़्यादा पसंद है जो जिंदगी में कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारते। आज के टाइम में आपको पता ना दुनिया में अगर हमारी जनरेशन के हिसाब से देखें, यंग लोग हैं, कुछ भी होता है तो हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं। हम काम 30 दिन करते हैं। हाँ जी, 30 दिन काम पे जाते हैं। 300 दिन काम पे जाते हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपकी ये ना हिम्मत देख के ना मेरे को बहुत ही खुशी मिली है, और मैं तो चाहूंगी कि हर इंसान आप जैसा होना चाहिए, है ना। इस उम्र में आने के बाद भी आपने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, अपने परिवार के लिए आप सोच रहे हो, है ना। लोगों को कहते जो कामयाब हो जाए। अंकल मैं चाहती हूँ मैं आपकी थोड़ी सी ना मदद करूँ। देखो मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे जितना बन पाएगा मैं करूँगी आपके लिए। अंकल ये मेरे पास 1 2 3 ये है मेरे पास, आप ये रख लो, ये 3000 रुपये है, और बाकी ये मम्मी को देने। आज देखो 3000 इसलिए मम्मी के लिए साइड में रख रखे हैं, मम्मी को भी पैसे की जरूरत थी। तो 2500 रुपये है, ये मैं बस आपको बेटे के नाते दे रही हूँ। ये सोच लो कि बेटी की आज पहली सैलरी आई है, बेटी ने पहली कमाई से आपको पैसे दिया है, और आप मेरे पापा समान ही हो बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग हेल्पिंग वीडियोज़ भी करते हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ, और मैंने कैमरा लगा रखा है देखो सामने, और ये है माइक, इससे आपकी आवाज़ कैप्चर होती है। तो सामने आप पब्लिक को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो, जैसे आपकी उम्र में भी आप इतना काम कर रहे हो, कुछ भी आप नहीं कहना चाहते, अपनी मेहनत से खाएं, मेहनत भी करें, मेहनत से खाएं कमा के, कोई बुरे काम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना मतलब ये ईमानदार रहना है हमेशा अपने काम में, बच्चों को पालने में। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी थैंक यू, आशीर्वाद दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है,